الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد

कोई कम नसीब मुसलमान ऐसा होगा जिसे ये याद न हो सभी को याद है छोटी सी सूरत है और अहम कितनी है निहायत आला दर्जे की सही हदीस में फरमाया गया कि कुल हुआ अहदिलुषल कुरआन ये सूरत पाक वन थर्ड कुरान के इक्वल है इस हदीस से आप इस सूरत की अहमियत समझ सकते हैं अल्लाह ने कुरान करीम में तीन बहुत ही छोटी छोटी सूरतें उतारी हैं जिनको एक सांस में पढ़ा जा सकता है अगर कोई सांस तोड़े बगैर एक सांस में पढ़ना चाहे बेटकल्लु पढ़ सकता है सवाल यह है कि तीन ही छोटी सूरतें क्यों उतारी चार छोटी सूरतें क्यों नहीं उतारी दो छोटी सूरतें क्यों नहीं उतारी तीन ही क्यों उतारी एक तो ये और एक इन्ना आते ना कल कौसर तीसरी वल असरीसान खसर ये तीन ही क्यों उतारी इसकी दो वजह एक वजह सिर्फ हंसने की और एक वजह हकी रियल हंसने की वजह तो यह है कि कोई भी फर्ज नमाज हो उसकी दो रकअतों में करात है तीसरी चौथी खाली सिर्फ फातिया पढ़नी सूरत नहीं पढ़नी और नफल की हर रकअत में कराहत है मगर नफल की हर दो रकअते अलग अलग हैं अगर चार रकअते एक सलाम से आप पढ़ें तो अभी वो अलग अलग है पहली दो अलग है दूसरी दो अलग है जैसे नमाज दरअसल एक रकअत है फिर दूसरी रकअत में वही करना है जो पहली रकअत में किया है और दो रकअतों को अरबी में शुफ़ा कहते हैं जोड़ी तो जोड़ी दो होंगे जब भी तो होगी तो दो हैं, दो नमाजें हैं उनकी जोड़ी है और दो नमाजों से कम नफल पढ़ना जायज़ नहीं क्यों आप अपने अहवाल पर गौर करें तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे जरा भी न हटे नमाज की तरफ तवज्जो रहे जरा भी न हटे मुमकिन है हम खड़े अब हर आदमी अपने हालात में गौर करे बहुत मुश्किल है और अगर कोई जहन को हाजिर करेगा कि नमाज में कोई ख्याल नहीं लाना चाहिए तो यही ख्याल शुरू हो जाए कि नमाज में ख्याल नहीं लाना चाहिए भी तो एक ख्याल है ये बहुत नामुमकिन है कि आदमी अल्लाह के लिए नमाज कमा हक को हो पड़े तकबीर तहरीमा से सलाम तक अल्लाह की तरफ मुतवज है नमाज की तरफ मुतव है नामुमकिन बस उसकी तलाफी कैसे की जाएगी टमाटर लेने गया था एक किलो टमाटर लिए उसने तोल करके थैले में डाले तो वो ये देखता है वो देखता है अरे ये इसमें दाग है अरे इसमें ये है अरे इसमें ये है तो दुकानदार एक दूसरा टमाटर उठा कर डाले, जा एक और टमाटर डाल देता है अकेला ले जा यानी वो जो टमाटरों में कमी है तो ये एक टमाटर जायद दे दिया चल तेरी कमी पूरी हो यही तरीका है कमी पूरी करने का और क्या तरीका है इसलिए एक रक नमाज ही नहीं रखी शरीयत ने जब भी नमाज पढ़नी हो दो रकतें पढ़ो ताकि दोनों में इसकी कमी इसकी कमी दोनों मिलकर एक तो नमाज कामिल बन जाए ये दो से कम नमाज पढ़ना जायज नहीं है उसकी हिकमत ये है एक रकत कमा हक को कोई बंदा पढ़ ही नहीं सकता और ये जो मैं वजह बयान कर रहा हूं ये वजह एक हदीफ में आई है नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने दुम कटी नमाज पढ़ने से मना किया ऐसी नमाज मत पढ़ो जिसकी दुमकटी हुई हो जानवर की दुम कटी कट जाए तो जानवर नाकिस होता है दुमकटी नमाज पढ़ने से मना किया है यानी ओनली वन रकत पढ़ने से हुजूर ने मना किया है इसमें दो इशारे हैं एक इशारा ये एक ओनली वन रकत भी नमाज है दूसरा है कि वो नाकी से दुमकटी दो बातें इस हदीस से खुद ही समझ में आई तो इसलिए किसी के जहन में इश्काल आए कि तीन इमाम जो हैं वित्र की एक रकात अलग पढ़ते हैं जो एक रकात अलग पढ़ते वो भी नमाज है मगर दुमकटी नाकिस है इसलिए शरीयत ने दुमकटी नमाज पढ़ने से यानी सिर्फ एक रकात नमाज पढ़ने से मना किया है क्योंकि उसको कमा हक कोई अदा को नहीं कर सकता कम अज कम दो जोड़ना है ताकि एक की कमी से दूसरी की कमी दू, एक की खूबी से दूसरी की कमी दूर हो जाए तो नफलों में सुन्नतों में चाहे आप चार रकअतें एक सलाम से पढ़े छह रकअतें एक सलाम से पढ़े आठ रकतें एक सलाम से पढ़े दो तो दो 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 अलग है पर जैसे फर्ज की दो रकतों में किरात जरूरी है नफल की हर रकत में किरात जरूरी है जैसे फर्ज की दोनों दो रकतों में किरात जरूरी है तीसरी चौथी में नहीं नफल की हर अकात में क्योंकि उसकी हर दो दो अलग है जब हर दो दो अलग है तो हर दो, दो में तो कैरात जरूरी है हाँ सिर्फ एक नमाज मित्र ऐसी रह जाती है कि जिसकी तीनों रकअतों में कैरात बस कोई शख्स काहिल है लीजी है सुस्त है आहदी है या इमरजेंसी है और वो फटाफट नमाज पढ़ कर पढ़ना चाहता है कभी इमरजेंसी में ऐसी सूरतें पेश आती हैं उसे फटाफट नमाज पढ़नी कर तो लेने छोटी चो, तीन सूरतें नाजिल कर दी के पढ़ ले तो तीन छोटी इसलिए क्योंकि इससे आगे चार रकातों में किरात है ही नहीं असल तो दो ही रकातों में किरात है लेकिन एक वित्र की नमाज ऐसी उसमें तीसरी रकात में भी तैरात करनी है तीन छोटी छोटी सूरतें नाजिल की कि किसी को इमरजेंसी हो कोई सुस्त हो कोई आहदी हो कोई लीजी हो और फटाफट नमाज पढ़ रहा चाहता हो तो अल्लाह ने दो तीन छोटी सूरतें नाजिल कर दी गई ले पढ़ ले और निमटा दे ये वो वजह है जो हंसने की यह सिर्फ हंसने की वजह है हकीकत कुछ नहीं और सही वजह क्या है सही वजह यह है दीन के तीन फैक्टर हैं अवामिल दीन अल्लाह ने भेजा है जो हमारे खाली को मालिक हम उनके बंदे हैं हम उनकी बंदगी कैसे करें जब हम बंदे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बंदगी करना अपने खाली को मालिक की तो हम बंदगी कैसे करें ये बात समझाने के लिए अल्लाह ने अपना दीन भेजा कि देखो मेरी बंदगी इस तरह करो किसके जरिए भेजा वाया वसल्लम हमारे पास दीन आया कोई कहे कि हजरत जिब्राइल भी तो वास्ता है हजरत जिब्राइल वास्ता है वह हमें नजर नहीं आते रजीब रेल वास्ता हमें नजर नहीं आते जो नजर आ रहा उसी की बात करो जो वाया रसूलुल्लाह रसुल्लाह सल तसलम ये जो कुरान आया है ये कुरान अल्लाह ने उतारा है डायरेक्ट हमारे घरों में नहीं आया जैसे बारिश डायरेक्ट आती, डायरेक आती है हवा डायरेक्ट आती है हेल्थ डायरेक्ट आती है ये नमत डायरेक्ट नहीं आई वाया रसुल्ला आई मगर ये कुरान आया है हमारी तरफ हर हर इंसान की तरफ आया है मोमिन ही की तरफ नहीं हर हर इंसान की तरफ उतारा गया है और बवास्ता हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह आया है तो दूसरा फैक्ट्री है अल्लाह ने अपना दीन भेजा वाया रसूलुल्लाह किन की तरफ भेजा मैनकाइंड की तरफ इंसानों की तरफ तो फैक्टर तीन है अल्लाह रसूलुल्लाह और इंसान अल्लाह ने अपना दीन अपने हबीब के वास्ते से इंसानों की तरफ भेजा बस तीन सूरतें अल्लाह ने नाजिल की तीन सूरतों में इन तीन फैक्टरों का इंट्रोडक्शन है इनका हालात हैं कुल है कुल्हल्लाहद में अल्लाह ताला का पूरा तारुफ है और इन्ना नापिन ना कल कौशर में नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला सल्लम के अहवाल का जिक्र है और वल वसर इन्नल इंसान लफी खुसर में इंसानों के लिए इस्लाह का प्रोग्राम है कि इंसान अपने आप को संवारना चाहें तो क्या फार्मूला है किस तरह से वो अपने आप को संवारे इसलिए ये तीन छोटी सूरतें आई है लंबी सूरत हो तो हो सकता है हर इंसान याद न कर सके हर लंबी बात हर आदमी समझ भी नहीं सकता याद भी नहीं रख सकता छोटी छोटी सूरतें नाजिल की कि हर मर्द और औरत और शहरी और देहाती बच्चा और बूढ़ा इन सूरतों को याद भी कर सकता है मुख्तसर बातें समझ भी सकता है अपने पल्ले बांधेगा गिरह लगाएगा कभी भूलेगा नहीं आप हजरत इमाम शाहफ़ी अलहमा का एक मकूला है उससे आप अंदाजा करें हजरत ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल न फरमाते सिर्फ वल वलअसरे नाजिल फरमा देते तो इंसानों की असलाह के लिए क्यामत तक के लिए यह सूरत काफी थी ये कोई मामूली आदमी का कौल नहीं हजरत इमाम शाफ अली का ही इर्शाद है उससे वला शरीफ की अहमियत समझो क्यों कितनी अहम सूरत है इंसानों के इंसानों की, की इसलाह के लिए ये कितनी कंप्रेहेंसिव सूरत है देखने में छोटी सी और नहाय जामे और कुल कुल्हल्ला की अहमियत तो आपने इस हदीस से समझी कि, कि कुल्हल्ला तिहाई कुरान के इक्वल है बराबर है एक तरफ वन थर्ड कुरान है एक तरफ कुल हुवल्ला है बहरहाल ये हकीकी वजह है कि तीन ही सूरतें अल्लाह ने छोटी छोटी क्यों उतारी हैं जवाब आवामिल तीन है हर आमिल के लिए हर फैक्टर के लिए एक सूरत है एक अल्लाह के तारुफ के लिए सूरत है एक वास्ते के बयान के लिए सूरत है और एक हम इंसानों के लिए इस्लाह का फार्मूला जिक्र किया गया है मजमून पूरा हो गया अब एक दूसरा मजमून समझो वो ये है कि जो हदीस में आया है कि कुल अहद, तिहाई कुरान वन थर्ड कुरान के बराबर है क्या मतलब आम तौर पर इसका जो मतलब बयान किया जाता है वो ये किया जाता है कि तिहाई कुरान पढ़ो और कुल अल्लाह पढ़ो तो तिहाई कुरान पढ़ने का जितना सवाब है इतना एक मरतबा अल्लाह पढ़ने का सवाब है बस अगर कोई शख्स तीन मरतबा अल्लाह पढ़ता है तो एक कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया आम तौर पर हदीस का यही मतलब बयान किया जाता है फजाइल की किताबों में भी यही बयान किया है आप हजरात ने भी यही सुन रखा होगा लेकिन इस हदीस का एक दूसरा मतलब है और वो ही ज्यादा फिट है वो मतलब ये है कि दीन दीन दो चीजों का नाम है अकाइद और आमाल बिलीफ और डीड कुछ अकीदे हैं इस्लाम के अकाइद का नाम और फिर अल्लाह ने जो करने के काम हमें बताए हैं नमाज रोजा जक़ात हजिया आमाल है अकीदे बुनियादी अकीदे तीन हैं तोहीद अल्लाह एक हैं रिसालत मुहम्मदी सिर्फ रिसालत नहीं आदम अल्लाम से रसूल चले आ रहे हैं वो मसला नहीं आखिरी नबी हमारे आका मुहमद मुस्तफा सल्लाम हैं ये रिसालत मोहम्मदी है ये दीन का बुनियादी दूसरा अतीदा है बस अगर कोई ला एला मानता है जैसा कि जूविश कहते हैं कि हम ला एला मानते हैं ईसाई कहते हैं हम मानते हैं हिंदू भी कहते हैं हम मानते हैं कोई नहीं है जो न मानता होगा माबूद एक ही है ये को सब मानते हैं मगर फिर वो मुसलमान क्यों नहीं इस्लाम का जो दूसरा बुनियादी अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह इसे नहीं मानते लिहाजा लाइला सिर्फ लाइला मानने से मुसलमान नहीं होगा इस्लाम का जो दूसरा बुनियादी अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह इसे भी मानना पड़ेगा और तीसरा बुनियादी अकीदा है ये हमारी दुनिया की जिंदगी हर पर्सन की फिनिश होने वाली है इसी तरह से तमाम इंसानों की जिंदगी यानी ये दुनिया भी एक वक्त में खत्म होगी फिर क्या होगा फिर लाइफ अस्रे नौ बिगिनिंग होगी जैसा इस दुनिया की लाइफ जिस तरतीब से पैदा हुए मरे पैदा हुए मरे पैदा हुए मरे ऐसे ही ये दुनिया फिनिश होने के बाद में जो अगली दुनिया शुरू होगी वो भी इसी तरह से शुरू होगी ये साइंसदान ये कहते हैं कि हजारों साल गुजरने के बाद हमारी जमीन रहाइ के काबिल हुई साइंस दान ये कहते हैं कि ये सूरज में से निकली है पहले लाल अंगारा थी हजारों साल गुजरे उसके बाद ये ठंडी हुई ठंडी होकर के उसमें चीजें उगने लगी फिर यहां हैवानात जिंदा रहने की सलाहियत पैदा हुई अल्लाह जाने वो कहते हैं सही कहते हैं नहीं कहते हैं, कौन गिनने गया थे लेकिन अक्लन ये बात समझ में आती जाए तो हम मुतान न कर सकें मगर हमारी ये दुनिया जो शुरू हुई है एक लंबा पीरियड गुजरने के बाद ये दुनिया हैवानात के रहने के काबिल हुई मेरे भाइयों इसी तरह से जब ये दुनिया फिनिश होगी और पहली मरतबा सूर का जाएगा तो इस दुनिया का हर जानदार खत्म फिर उसके बाद दूसरा दिन शुरू होगा नया दिन शुरू होगा दूसरी अगली दुनिया बिगिनिंग होगी और उसका जो पहला दिन है जिसको हम कयामत का दिन कहते हैं ये फिफ्टी थाउजेंड ईयर का है फिफ्टी थाउजेंड ईयर कितने होते हैं उन तम उस लंबे दिन में हर मखलूक जो इस दुनिया में पैदा होकर मर गई है वो पैदा होनी शुरू हो। ऐसा नहीं होगा कि फूंक मारी और सब एकदम पैदा हो गए ऐसा नहीं होगा वो दिन लंबा इतना इसलिए रखा है कि तदरीजन सब पैदा होने शुरू होंगे 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 फिर हिसाबात होंगे किताबात होंगी सब लंबे तोड़े मामलात होंगे फिर इस दुनिया के दरमियान ये क्यामत का दिन इसी दुनिया जमीन पर इसी दुनिया का है फिर इस दुनिया और दूसरी दुनिया जो अभी मौजूद है आखिरत अभी मौजूद है उन दोनों दोनों के दरमियान एक ब्रिज रखा जाएगा उस ब्रिज पर से सबको गुजरना है जिनके लिए जन्नत का फैसला हुआ है वो ब्रिज पार करके आगे निकल जाएंगे आगे निकल के आगे जन्नत का एरिया शुरू हुआ और जो जहन्नमी हैं, उनमें ब्रिज में आंकड़े लगे होंगे वो पकड़ करके उनको नीचे ले जाएंगे देखो जन्नत ऊंची है जहन्नम नीचे है तो आंकड़े पकड़ करके नीचे ले जाएंगे और जन्नत पुल से पार हो जाएंगे अब जन्नती जन्नत में पहुंच गए जहन्नमी जहन्नम में पहुंच गए अब वहां सदा रहना है ताबध रहना है फिर आखिरत कभी खत्म नहीं होगी ये जो सारा मसला है और जिसको हम सब जानते हैं और मानते हैं इसका नाम है माद माद के माने हैं रेवस आना लफ्ज माद के माने रेवस आना यानी यहां से हम मरने के बाद मरना पास अवे मरने को क्या कहते हैं आप लोग पास अवे खत्म नहीं हो गए मरने से पास अवे आगे बढ़ गए वो आगे बढ़कर कहां पहुंचे आलम कब्र में पहुंचे आलम बरजख में पहुंचे या आलम कब्र और आलम बरजख दो दुनिया के दरमियान में बारियर है वहां से रूहों को इस दुनिया में वापस आना है कब वापस आना है इस दुनिया में जब बॉडिया दोबारा बनेंगी कयामत के दिन तो रूहों को वापस आना है यह मसला माद है रेवस आना बॉडियों को मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा बॉडियां बनना और उनमें उन रूहों का वापस आना यह सारा मसला इसको या तो आखिरत कह लो या माद कह लो ये दीन का दूसरा बुनियादी तीसरा बुनियादी मसला है दीन इन्हीं तीन मसलों का नाम है तोहैद रिसालत मोहम्मदी और आखिरत कुल अहद में तोहेद का मुकम्मल बयान है और कुरान करीम में यही तीन मसले रिपीट किए गए हैं और नए नए अंदाज से यही तीन मसले बयान किए गए मक्के में पचासी एटी फाइव सूरतें नाजिल हुई उनमें से यही तीन मसले बस ये जो फरमाया है कि कुल हो कुल्ला वन थर्ड कुरान के इक्वल है यानी पूरे कुरने करीम में ये तीन मसले बयान किए हैं उनमें से एक मसला कम्प्लीटली सूरत में और बाकी दो मसले दूसरी जगह पर हैं ये इस हदीस शरीफ का एक दूसरा मतलब बयान किया गया है एक तो वो शौब वाला मतलब है दूसरा मतलब ये बयान किया गया है और ये मतलब ज्यादा राजे और बेहतर है क्योंकि जुल जिलत के बारे में हदीस सही में है कि किुलत आधे कुरान के बराबर है वहां किसी ने यह मतलब नहीं बयान किया कि एक मरतबा अल्लाह पढ़ो तो आधे कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया दो मरतबा पढ़ो तो सारे कुरान के पढ़ने का स्वाब मिल गया ये किसी ने मतलब नहीं बयान सबने ये मतलब बयान किया है कि जिंदगी दो हैं दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड एक जिलत में आखिरत के सब आहकाम हैं वह पूरा कुरान पुरा करीम इस दुनिया की जिंदगी से बहस करता है और ये सूरत कंप्लीटली आखिरत की जिंदगी से बहस करती है तो आप कुरान गए इसी तरह से दूसरी हदीस शरीफ है कि कुल या हल्का चौथाई कुरान के बराबर है उसका भी किसी ने ये मतलब नहीं बयान किया कि चार मरतबा कुल हल्का फिर उन पढ़ लो तो ये कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया ये मतलब किसी ने नहीं बयान किया सबने ये मतलब बयान किया कि दीन के बुनियादी अकीदे तीन और चौथा अमल मैंने कहा था कि दीन का दीन मजमु है अकाइद और अमाल का तो सारे अमाल एक और अकैद तीन बुनियादी तो चार हुए तो यहल काफिरन में इखलास फिल इबादत का बयान है बंदगी करो अल्लाह की सिर्फ अल्लाह के लिए बंदगी करो किसी और की तरफ किसी और को हिस्सेदार मत बनाओ तो यू कुल यहल काफिरन चौथा ही कुरान के बराबर हो बस इसी अंदाज पर शाकेला पर जो दूसरी हदीसे हैं उनका जो मतलब बयान किया गया है अल्लाह का भी यही मतलब बयान करना चाहिए बस जब इसमें बुनियादी तीन मसाइल में से एक मसले का पूरा बयान है तो इसकी अहमियत वाजह है जैसे वल असर के बारे में माम शाफे अली रहा के कौल से उसकी अहमियत वाजे थी इसी तरह से इस सूरत की अहमियत इस हदीस से वाज लिहाजा आज मुख्तसर सा थोड़ा सा वक्त है उस वक्त में इसी सूरत को समझ लिया जाए तफसील तो मुमकिन नहीं सूरत का एक बैक ग्राउंड है जिसको हम अरबी में कहते हैं शान नजुल इस सूरत के शान नजूल की एक रिवायत है वो शान नुजुल की रिवायत आयतों का बैकग्राउंड ग्राउंड कहलाते मुशरकी ने मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लाम से कहा उन सुब उनना रब का। हमारे लिए आप अपने परवरदेगार का नसब बयान की कि आपका परवरदिगार कौन है उनके अब्बा का फादर कौन है उनकी औलाद कौन कौन है नसबनामा हमें बतलाइए अपने रब का ये रिवायत है उनके इस सवाल के जवाब में कुल हो अल्लाह नाजिल हुई है ये बैकग्राउंड है इसका अब इस बैकग्राउंड को और समझो मुशरिकीन के जितने मबूद होते हैं उन वो हर महाबूध का बाप भी होता है बेटा भी होता है। हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का महाबूध है राम तो वो राजा दशरथ का लड़का था और राम के दो लड़के थे नाम लिखे हैं मुझे याद नहीं और ये फर्जी बात नहीं वाकिया है राजा दशरथ का वो लड़का था राम और राम के दो लड़के थे तो ए, इसी तरह से ये क्रिश्चियन है वो जीसस को उन्होंने खुदा मान रखा तो जीसस के लिए फादर भी मान रखा है यूसुफ नज्जार को वो ईसा का बाप कहते हैं तो फादर माना है औलाद तो नहीं मानते ईसा सलाम की औलाद तो नहीं मानते वह बाप तो मानते हैं। तो मुशरकिन के जितने आलिहा हैं, खुदा हैं उनके बाप भी होते हैं बेटे भी होते हैं किसी के दोनों होते हैं किसी का एक होता है तो मुशरकिन ने हजूर से कहा कि आपका जो रब है उस रब का नसब नामा बयान कीजिए कि वो किस उस, उनके अब्बा कौन है उनके औलाद कौन है उनका इंट्रोडक्शन करवाइए अपने परवरदिगार का उस सवाल के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई अभी और थोड़ी तफसील समझो ये जो मुशरकिन है वो अपने खुदाओं के लिए लफ्ज रबी इस्तेमाल करते बहुत सारे मबूद अरबाब कुरान में है अरबाब मुतफरक खैर अमीदुल्क यसुलेसलाम ने कहा था कि ये तुमने जो बहुत सारे खुदा मान रखे हैं डिफरेंट टाइप के ये सब डिफरेंट काइंड के ये खुदा बेहतर हैं एक वाहिद का कहार मालूम है ये मा कि ये सब अपने खुदाओं के लिए लफ्ज रब इस्तेमाल करते थे और ये क्रिश्चन आज भी लफ्ज रब इस्तेमाल करते हैं और रबी लफ्ज है वो उसकी जगह पर उसका में लॉर्ड इस्तेमाल करते हैं हजरत जीसस हजरत ईसा के लिए लॉड इस्तेमाल करते हैं और लॉड उनसे नीचे और लोगों के लिए भी पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज रब अल्लाह के अलावा जो इंसानों ने मबूद बनाए हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करते थे मुश्रकी कुरान करीब में है कि जब हजरत मूसा सलाम दावत लेकर के फिरोन के पास पहुंचे हैं दावत तो फिरौन ने पूछा है कॉलमर रब कुमाया मूसा रोन ने कहा तुम दोनों यानी मूसा और हारून, तुम दोनों का रब है कौन क्योंकि वो खुद अपने आप को रब कहता था कुरान में है अना कुम रब कुमला तुम्हारा हाईएस्ट रब मैं हूं तो वो खुद रब बना हुआ था अब मूसा और हारून दावत लेकर पहुंचे के रब पर ही मान लाओ तो उसने पूछा कि तुम्हारा रब है कौन रब तो सबका मैं हूं और मेरे अलावा भी रब है छोटी छोटी मूर्तियां हैं मगर उन सब मूर्तियों का लीडर तो मैं हूं रबुक मिला आला तो मैं हूं इस आयत से मालूम हुआ कि मुशरकिन अपने घड़े हुए खुदाओं के लिए रब रफ्ज रबी इस्तेमाल करते हैं पर जब कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई अलहदुल्लाब आलमीन तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परोदिगार पालनहार है तो अब वो भी लफ्ज रब इस्तेमाल करते हैं कुरान ने भी लफ्ज रब इस्तेमाल किया है वो लफ्ज रब इस्तेमाल करते हैं अपनी मूर्तियों के लिए कुरान ने लफ्ज रब इस्तेमाल किया अल्लाह के लिए तो कुदरती तौर तो पर सवाल होगा कि भाई हमारे जो अरबाब है वो तो हम जानते हैं ये जो तुम किस रब की तरफ बुला रहे हो तुम जिस रब की तरफ हमें दावत दे रहे हो ईमान लाने के लिए कह रहे हो अपने रब का इंट्रोडक्शन तो करो हमें समझाओ तो सही तुम्हारा रब है कौन हमारे तो ये रब रहे पीछे सब जिनको हम भी जानते हैं तुम भी जानते हो कि हमारे रब हैं अब तुम हम हमें किसी और रब की तरफ दावत दे रहे हो बुला रहे हो और कहते हो कि आलमीन है सारे जहानों का पालन रहे। तो हमें समझाओ तो सही उसका इंट्रोडक्शन तो करो तुम्हारा रब है कौन जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो ये सवाल था सवाल पैदा इसलिए हुआ था कुरान की ये सूरत नाजिल हुई और जवाब दिया कुल हुआ, हुआ। वो रब यानी कुरान ने जिस रब की तरफ बुलाया है और उस रब पर ईमान लाने की दावत दी है उस रब का परोपर नेम अल्लाह है और अल्लाह को मुशरकिन मानते थे जो उनकी मूर्तियां थी उन मूर्तियों के लिए लफ्ज अल्लाह नहीं इस्तेमाल करते थे अल्लाह तो अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल करते थे जैसे हमारे हिंदुस्तान के हिंदू ईश्वर परमेश्वर भगवान ये अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके मंदिरों में जितनी मूर्तियां हैं उनमें से किसी को ईश्वर ईश्वर के माने खालि पैदा करने वाला परमेश्वर के माने वदूद, अपनी मखलूक से मोहब्बत करने वाला और भगवान यानि माबूद पहलवान में वान है वो और भगत के माने बंदगी और इबादत के तो भगवान यानि माबूद तो वो अल्लाह को इस कायनात का खालिक मानते हैं और जैसे हमें अपनी औला से प्यार होता है इंतहाई दर्जा जब अल्लाह ने ये मखलूक पैदा की है तो अल्लाह को अपनी पैदा की हुई मखलूक से प्यार है इंतहाई दर्जा तो परमेश्वर हैं, परमेश्वर में वर ऐसा है जैसे ताकतवर में वर है और प्रेम के माने मोहब्बत के और उसको वह भगवान मानते हैं मगर पूरी दुनिया में एक मंदिर भी भगवान की भक्ति के लिए नहीं भक्तियां सब अल्लाह के बंदों की हो रही है यहाँ राम की है गणपति की है उसकी है उसकी है ये सब अल्लाह की मखलूकते हैं बंदगीया वर्षिफ उनकी हो रही है मगर और भग, भगवान अल्लाह को मानते हैं इसी तरह से ये जुश उनके यहां अल्लाह के लिए प्रॉपर नेम है यहोवा और खुद इन जुविशों में एक फिरका है यहोवा विटनेस और यहोवा विटनेस के माना शहादत और उनके अकाइद इस्लाम ईसा सलाम के बारे में ईसा सलाम के बारे में यहोवा विटनेस ये जुविश है इनके अकाइद ईसा सलाम के बारे में बिल्कुल इस्लाम के करीब करीब हैं। वो ईसा इस को खुदा नहीं मानते ट्रीनिटी भी नहीं मानते बाप भी नहीं मानते तो जैसे इनके यहाँ यह लफ्ज है इनके यहां अल्लाह के लिए लफ्ज हैं। अरबी में अल्लाह के लिए परोपर नेम अल्लाह था और इसको अरब मुशरकिन जानते थे इस्तेमाल भी करते थे उनकी शायरियां मौजूद हैं उनका में तकरीर मौजूद हैं उन्होंने अल्लाह के लिए लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल किया है बस उनको बतला दिया कि हुआ, वो जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा रब कौन है उनका नसबनामा अभियान करो सुनो उनका प्रॉपर नेम है अल्लाह उनकी दो सिफतें हैं एक सिफत है अहदुन, एलोन यगाना तन्हा ये अल्लाह की पहली सिफत है वो एलोन है वो अकेले हैं वो यगाना है वो बेहमा है उनके साथ और कोई नहीं देखो मेरे भाइयों कुरान करीम में ये मजमून कई जगह पर आया है कि अल्लाह ने कायनात की हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई अकेली जात सिर्फ अल्लाह की अल्लाह के अलावा अकेला कोई नहीं उसके अलावा हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई ये मजमून कुरान में कई जगह है मगर जोड़ा लफ्ज सुन करके हमारे जहनों में ऐसा आता है कि मियाँ बीवी मेल फीमेल मुजक्कर जोड़े का ये मतलब नहीं जोड़े का ये मतलब नहीं जोड़ा कहते हैं ऐसी दो चीजों को जो दो मिलकर किसी मकसद को पूरा करें वो जोड़ा है दो चप्पल जोड़ा दो जूते जोड़ा क्योंकि दो चप्पल मिलकर एक मकसद को पूरा करेंगे दो जूते मिलकर एक मकसद पूरा करेंगे तो हम उर्दू में भी गुजराती में भी जोड़ा कहते हैं तो अल्लाह ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है दो चीजें मिलकर एक मकसद की तकमील करती फिर अगर वो दो चीजें नर्मादा इतफाकन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी जोड़े के लिए नर्मादा होना जरूरी नहीं जैसे मर्द औरत दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं वो मकसद क्या है नस्ल आगे बढ़ाना सिर्फ मर्द कैसे नस्ल बढ़ाएगा सिर्फ औरत कैसे नस्ल बढ़ाएगी तो मर्द औरत मिलकर मकसद की तक, एक मकसद की तकमील करते हैं और इत्तिफाक से ये नर्मादा है बाकी नर जोड़े के लिए नर्मादा होना जरूरी नहीं कुरान करीम में है

वो मिनकुल शईन खलक ना जोजैन लाल तरक और हमने हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई मिनकुल शईन खलकना जोजैन हर चीज जोड़ा जोड़ा क्यों बनाई है लालकुम तज करून ताकि तुम एक बात याद करो वो बात क्या है कि ये दुनिया इसका भी जोड़ा है जब अल्लाह ने हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई है तो ये दुनिया अकेली कैसे हो सकती और ये दुनिया अकेली मकसद की तकमील कैसे कर सकती इस दुनिया के साथ दूसरी दुनिया आखिरत है और ये दुनिया और वो दुनिया जोड़ा है दोनों मिलकर मकसद की तकमील करते हैं मकसद क्या है मकसद एक अच्छा करो जजा पाओ बुरा करो जूते खाओ अच्छा माल करो जजाए खैर पाओ बुराइयां करो तो पादाश अमल से दो चार हो ये जो मकसद है ये दो दुनिया मिलकर पूरा हो देखो हम इस दुनिया में देखते हैं जो अच्छाइयां करते हैं वो और बुराइयां करते हैं इक्वल है बुराइयां करने वाले ने अच्छाइयां करने वाले दौलतमंद सेहतमंद अगर हैं तो बुराइयां करने वाले भी दौलतमंद भी हैं सेहतमंद भी हैं और अगर बुराइयां करने वाले अंधे लूले लंगड़े डिजेबल हैं तो नेकिया करने वाले भी अंधे लूले लंगड़े डिजेबल हैं तो हमें तो इस दुनिया में कोई फर्क नजर नहीं आता बस अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा एक सिटी थी सिटी ने एक कंट्री थी उसका नाम था अंधेर नगरी और राजा था चौपट था उसके मुल्क में भाजी ग्रोसरी ये भी टके शेर मिलती थी और हलवा भी टके शेर मिलता था खाजा भी टके शेर मिलता था दोनों का एक भाव था एक टके में हलवा ले लो किलो एक टके में बैगन ले लो किलो तो अगर या 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 ये दुनिया में जो हमें नक्शा नजर आ रहा है तो फिर तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह की इस कायनात में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है बाजी भी टकेसर है खाजा भी टके से है ऐसा नहीं अल्लाह तला हकीम है अपने मामलात में निहायत बस ये ना इसका ये हमें कब नजर आएगा कि अच्छाइया करने वालों को अच्छा बदला, बुराइया करने वालों को सजा इस दुनिया में तो ये होता नहीं उसके लिए आखिरत आखिरत में दूध अलग कर दिया जाए पानी अलग कर दिया जाएगा नेकियां करने वालों को जजाय खैर मिलेगी और ताबत, और बुराइया करने वालों को सजा मिलेगी और ताअवधन सेपरेट कर दिए जाएंगे बस इस दुनिया में अमल और वहां समरा और फल इन दोनों दुनियाओं का मिलकर के मकसद इंसान की लाइफ की तक मकसद की तकमील होती है अगर सिर्फ ये दुनिया है तो उसके मकसद की तकमील नहीं होती देखो हम खेत में गेहूं बोते हैं गेहूं उगे बड़े 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 हम तो चारों तरफ खेत में घूमते हैं हमें तो कहीं गेहूं का एक दाना भी नजर नहीं आता सब घास नजर आ रही है भूस नजर आ रहा है कबाड़ नजर आ रहा है कहीं दाना तो नजर ही नहीं आ रहा खेत में अगर ये खेत ही खेत रहे तो हमारे अनाज बोने का फायदा क्या है लामहला मानना पड़ेगा एक दिन आएगा ये पूरा खेत कट जाएगा खेत खाली हो गया है अब ये सारा अनाज खलियान में पहुंचा अब खेत में कुछ नहीं रहा अब खलियान में पहुंचने के बाद में उस पर बैल घूमे अनाज गाहा, फिर जब तैयार हुआ तो उसे बारिश में हवा में बरसाया, तो गेहूं यहां पड़ा भूसा गया अब हमारे खेत बोने का समरा अब जाहिर हुआ मेरे भाइयों इसी तरह से दुनिया एक खेत है ये खेत किसी दिन कट जाएगा सारा का सारा और सारा अनाज खलियान में पहुंचेगा और वहां फिर बरसाया जाएगा गाहने के बाद तो जन्नती एक तरफ अलग हो जाएंगे जहन्नमी नमी एक तरफ अलग हो जाएंगे जन्नती यानी अनाज घर में ले आकर कोठी में भरा जाएगा अनाज घर में ले जाकर कोठी में भरेंगे क्योंकि उसी के लिए खेत बोया था और ये जो भूसा गया है या तो उसे आग लगाकर जला देंगे आप लोग यही करते हैं क्यों जानवर तो लोगों के पास यहाँ है ही नहीं तो जब मकई की पैदावार पूरी होती है और जो कूड़ा का बाल भूस निकलता तो नहीं खेत में आग लगा दी सबको जला दिए और अपने यहां उसे कोठी में कोई नहीं भरता बाढ़े में लेकर डालते हैं ताकि बैल भैंसा खाए उसे भैरल दोनों अलग अलग कर दिए जाते हैं इसी तरह से इस दुनिया का हाल है कि ये दुनिया में जो रले मिले हैं अच्छाइयां करने वाले और बुराइयां करने वाले इनको एक दिन अलाहिदा अलाहिदा किया जाएगा तो अल्लाह ने फरमाया कि ये दुनिया और दूसरी दुनिया जोड़ा है ये बात तुम याद करो इसलिए हमने इस कायनात की हर चीज जोड़ा जोड़ा पैदा की है अकेले सिर्फ अल्लाह है एलवान अल्लाह है उनके अलावा कोई अकेला नहीं यासिन शरीफ में है सुबह नल्लवी खलकल अजवा जकुल्लाह मिम्मा तुम बेतुल मिम्मा लाता लमून पाक है वो जात किस बात से उसका जोड़ा होने से पाक है पाक है वो जात जिसने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया वो जोड़ा होने से पाक है जमीन में से जितनी वो चीजें उगती हैं उनमें भी जोड़ा है खुद इंसानों में भी जोड़ा है और जिन मखलूकत को तुम नहीं जानते उनका भी जोड़ा जोड़ा ही अल्लाह ने बनाया है। कोई कहे कि फरिश्तों का जोड़ा क्या है हम कहेंगे हमें नहीं मालूम बाकी ये यकीन है कि फरिश्तों का भी जोड़ा है लेकिन जब उन मखलूकत ही को हम नहीं जानते तो उनका जोड़ा होना हम कैसे बतला दें जो मखलूक हमारे सामने है, जमीन में से उगने वाली हमारे अपने अहवाल इनका जोड़ा जोड़ा होना हम जानते हैं और बुनियादी बात यह जानना है कि जोड़े का मतलब मुजक्कर मुन्नस होना नहीं जोड़े का मतलब है दो चीजें मिलकर एक मकसद की तकमील करे तो वो जोड़ा है फिर अगर इतफाक से मुजक्कर मुआनस हो जाए तो कोई बात नहीं तो अल्लाह की पहली सिफत बतलाई कुल होल्ला हो अहद कहिए मेरा परवरदिगार जिसकी तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूं वो अल्लाह है उसका प्रॉपर नाम ये है और उसकी पहली सिफत यह है कि वो एलोन है अकेला है दूसरी सिफत अल्लाह बेनियाज है बाहमा है किसी चीज का वो मोहताज नहीं है बेनियाज का मतलब ये है कि किसी चीज का वो मोहताज नहीं है उस वो कमाल है किसी कमाल की उसमें कमी नहीं है देखो मुशरकिन ने जो शिरक शुरू किया है तो उनकी क्या दलील है उनकी दलील ये है कि एक एक शख्स अपना बड़ा कारखाना अकेला नहीं चला सकता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर मुकर्रर करने पड़ते हैं एक बादशाह अपना पूरा मुल्क नहीं चला सकता है मिनिस्ट्रियां कायम करनी पड़ती हैं तो इतना बड़ा जगत अल्लाह अकेले कैसे कर, कर चलाएंगे अल्लाह ने हवा का खुदा अलग तजवीज किया है दौलत का खुदा अलग बारिश का खुदा अलग ऐसे सब खुदा हिंदुओं ने बना डाले क्योंकि अल्लाह ने अकेले अपने पूरी इतना बड़ा दुनिया का कारखाना कैसे चलाएंगे ये अल्लाह को उन्होंने नाकिस और मोहताज मान लिया ये जो कारखाने का बॉस है ये जो मुल्क का किंग है वो नहीं चला सकते अपने कारखाने को अकेला नहीं चला सकता ये किंग अपने कंट्री के गवर्नमेंट को अकेला नहीं चला सकता क्यों उसमें कमजोरी तो क्या अल्लाह भी ऐसे कमजोर वो तो बेनियाज हैं उनमें कोई कमी नहीं है कुरान करीम में सात जगह ये मजमून है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन और उनके दरमियान की चीजें छह दिनों में पैदा की और छह दिनों में पैदा करके अर्श अम्र, फिर अल्लाह ताला बजाते खुद अर्श नशी बने और वो मामले का इंतजाम कर रहे हैं कायनात का मैनेजमेंट अल्लाह ने किसी को नहीं सौंपा जैसे बादशाह मुल्क में तख्त नशी बनता है अल्लाह अर्श नशी बने और अपनी कायनात का इंतजाम खुद संभाला है किसी को इंतजाम नहीं दिया कि बादशाह तो अकेला नहीं चला सकता वो नहीं चला सकता वो आजीज मखलूक है और बादशाह अकेले पूरी कायनात को संभाल सकते हैं क्योंकि वो कादिर मुतलक हैं उनमें कोई कमी और नुख्स नहीं है तो अल्लाह की ये दूसरी सिफत आई कि अल्लाह बेनियाज है अल्लाह समद है वो बाकमाल है उनका कोई कमाल मुंतजर नहीं है जो आगे अल्लाह को हासिल हो कोई कमी अल्लाह के करीब भी नहीं फटक सकती है अल्लाह समद। देखो अरबों में एक तरीका था इंट्रोडक्शन का आज भी है किसी से पूछेंगे फुला आदमी कौन है इनसे उसके बारे में नहीं पूछा उससे पूछा कि तुम्हारा दोस्त कौन है तो उसने कहा अबू फुलानिन ये कुन्नीयत है अरबी में कि फुला का अब्बा है और अरबों के ये अबू फुलानिन या आम कुन्नीयत है आज भी वही इस्तेमाल करते फिर दूसरी सेकंड दर्जे की कुन्नीत है इब्नो फुलानिन जैसे हुजूर की कुन्नीत है कासिम आपके बेटे का नाम कासिम था कासिम के अब्बा और हजरत इब्न उमर हजरत उमर के बेटे ये दो कुत अरबी में आज भी चलती हैं और ज्यादा अबू फुलानी चलती है और कम इब्न फुलानी चलती है लिहाजा अल्लाह का तारुफ कराओ वो किसके अब्बा हैं वो किसके बेटे हैं तो कुरान ने कहा लम यलिद व लम यू लद अल्लाह ने किसी को जना नहीं जब किसी को जना नहीं है तो अबू फलानिन कहां से हो जाएंगे फलां के अब्बा कहां से हो जाएंगे उन्होंने किसी को जना ही नहीं वह लमय और वो जने नहीं गए जब जने नहीं गए तो इब्न फलानिन कहां से हो जाएंगे और वो अबू फुलानिन क्यों नहीं हो सकते और इब्न फलानिन क्यों नहीं हो सकते वो अहद और समद हैं इसलिए नहीं हो सकते वो अहद हैं एक अकेले हैं और समझ हैं बेनियाज हैं इसलिए वो अबू फुलानी और इब्नो फुलानी नहीं हो सकते फुला के अब्बा और फुला के बेटे नहीं हो सकते देखो अगर अल्लाह ने किसी को जना होता तो चलो एक ही बेटा होता तो वो बेटा भी अल्लाह होता है या ना होता तो अल्लाह अहद कहां रहे तो दो अल्लाह हो गए और देखो हर बाप बेटों का मोहताज होता है इसीलिए लोग शादी करने के बाद औलाद नहीं होती तो दुनिया भर में दुआएं करवाते फिरते हैं तावीज गंडे करवाते हैं ऊंधा सीधा करते हैं क्यों बुढ़ापा जब हमारा आ जाएगा तो ये औलाद हमें कमाकर खिलाएगी तो औलाद की एहतियाज होती है और ये एहतियाज तो अगर नबी हो तो जो हरेक को औलाद चाहिए ये जो औलाद चाहिए यही हाजत है औलाद की अल्लाह में ऐसी कमी नहीं हो सकती और अगर अल्लाह के अब्बा होते और अम्मी होते तो अब्बा और अम्मी भी खुदा ही होते इंसान के घर में बिल्ली पैदा हो जाए तो कैसा मालूम होगा और जब एक इंसान जना गया है तो उसके अब्बा और अम्मी को भी इंसान मानना पड़ेगा तो जब अल्लाह अल्लाह है तो उनके अब्बा अम्मी को भी अम्मा मानना पड़ेगा तो अल्लाह एलोन कहाँ रहे और वो समझ कहाँ रहे इसलिए कि बेटा तो मां बाप के मशीन चलाए बगैर वजूद में नहीं आ सकता ईशा सलाम बगैर बाप के वो एक करामती बात है करिश्माती बात है उमूमी अहवाल में औलाद मां बाप के मिलने की मोहताज है बस अगर अल्लाह जने गए होते तो मां बाप के मोहताज होते वजूद में आने के लिए और उनके मां बाप होते तो वो भी खुदा होते और अल्लाह की दो बुनियादी सिफत है वो अहद हैं समद हैं अकेले हैं बेनियाज हैं बस उनकी औलाद नहीं हो सकती औलाद होगा तो औलाद के मोहताज होंगे और अल्लाह अकेले नहीं रहेंगे उनके जने गए होते तो वो अकेले नहीं रहेंगे माँ बाप के मोहताज हो जाएंगे एक छोटा सा किस्सा सुनो पहले भी मैंने कभी सुना है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जो कब्जा किया तो उन्होंने पलान बनाया कि सारे हिंदुस्तान को ईसाई बना डालो उसके बगैर हम यहां हमेशा हुकूमत नहीं कर सकते तो उसने बरतानिया से बेशुमार पादरी उतार दिए हिंदुस्तान में वो पादरी क्या करते थे पुलिस के साथ बड़ी मस्जिद पर जाते थे जब नमाजी नमाज पढ़कर निकलते थे तो पुलिस वाले सबको बिठाते बैठो पादरी साहब की बात सुनकर जाओ एक बड़ी मस्जिद पर ऐसा ही हुआ पादरी साहब ने तकरीर से पहले एक साहब को खड़ा किया खड़े हो क्या नाम है ये नाम है तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है ये नाम है बैठ जाओ फड़ा साहब खड़े जब तीस पैंतीस आदमियों को खड़ा करके नाम पूछे तो हर एक ने नाम बतलाया अपने अब्बा का भी नाम बतलाया फिर उसके बाद पादरी साहब ने तकरी शुरू की अरे मुसलमानों तुम्हारी अकलों पर पत्थर पड़ गए हैं क्या है मैंने पैंतीस आदमियों से पूछा हर एक ने अपने अब्बा का नाम बताया और तुम हजरत ईसा सलाम को बड़ा अल्लाह का नबी रसूल ये वो मानते हो और फिर कहते हो कि उनका कोई बाप नहीं था तुम में से जो चीज अपने लिए पसंद नहीं करते हो तुम में से हर एक अपने बाप का नाम बतलाता है और ईसा सलाम के बारे में तुम ऐसी हिमाकत भरी बात कहते हो उनका कोई बाप नहीं था मजमा हक्का बक्का कहा अगली नमाज में अपने मौलवियों से पूछकर इसका जवाब लाइए मैं फिर आऊंगा अगली नमाज पर पीछे तो से बुढा खड़ा हुआ उसने कहा कि पादरी साहब आपकी बात का जवाब तो हम अगली नमाज में लाएंगे मगर हम आपसे ये पूछते हैं कि ईसा सलाम का बाप है कहा है कौन है गॉड अच्छा गॉड है तुम्हारे गॉड में ताकत कितनी है चौल माइटी कादिर मुतलक तो उसने कहा अच्छा ऑल तुम्हारे कादी गॉड के लड़के कितने कहा एक लड़का है जीसस देखा एक ही लड़का है जी एक लड़का है उसने कहा फिर पादरी साहब सुनो मैं कमजोर बंदा हूं मेरे दस लड़के <laughs> <laughs> और तेरे ऑल माइटी गॉड का एक ही लड़का क्या किया उसने जिंदगी भर जा अगली नमाज में इसका जवाब लाइए हम आपसे जवाब लेंगे इसका क्योंकि अल्लाह के लिए अगर औलाद होना कमाल है तो बेहद हिसाब औलाद होनी चाहिए और अगर औलाद होना अल्लाह के लिए ऐब है तो एक बेटा होना भी ऐब है।, है तो फरमाया कि चलो बाप होने और बेटा होने के एतवार से सिमिलरिटी नहीं है तो किसी और एतबार से हो कहा नहीं कुफुवन अहदुन और नहीं है अल्लाह के लिए कोई हमसर यानी बाप बेटा होने की वजह से ये सिमिलिरटी है इसके अलावा किसी और एतबार से बराबरी हमसरी हो हमसर यानी दो बराबर इक्वल सर के कहा नहीं किसी और एतबार से भी कोई अल्लाह का हमसर नहीं जब उनके बराबर कोई है ही नहीं उनका कोई हमसर है ही नहीं तो अब माबूद उनके अलावा दूसरा कैसे हो सकता है ये इस सूरत पाक का अल्लाह का तारुफ कराया गया है और उसमें से मजमून ये निकल, निकलता है कि अल्लाह ही अकेले हैं और बेनियाज हैं बस उनके साथ किसी को पुकारने का कोई सवाल नहीं चाहे पुकारने की कोई नोयत हो मुश्रकों में जो पुकारने की नोइयत है वो हो या हम मुसलमानों में जो पुकारने की नोयत है कि अल्लाह के अलावा की मन्नत मान रहा है ये भी अल्लाह के अलावा को पुकारना है अल्लाह के अलावा से अल्लाह के अलावा को अपनी इबादत दिखा रहा है मस्जिद में बड़ी लंबे नमाज पढ़ता है ताकि सब मस्जिद में बैठे हुए देखें कि भे दे हमारे इमाम साहब बड़े बुजुर्ग हैं ये भी गैरुल्लाह को पुकारने की एक शक्ल है और हदीस में उससे कहा गया कि भी शिरक की एक महयत है नीचे का दर्जा शिरक का निहायत नीचे का दर्जा और शिरक का ऊपर का दर्जा क्या है ऊपर का दर्जा है कि दो खुदा मानता है तीन खुदा मानता है सौ खुदा मानता है हजार खुदा मानता है तो ऊपर से नीचे तक ये सब शक्लें हैं ये शिरक की हैं और सिर्फ एक अल्लाह से लो लगाओ किसी और की तरफ कोई ध्यान न दो ये तौहीद है मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान के बड़े लीडर गुजरे हैं उनका एक शेर है वो कहते हैं तौहीद तो ये है कि खुदा खुद में कह दे तौहीद तो ये है कि खुदा खुद में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था इसका नाम मेरे भाई तोहहीद है और यही सूरत का मजमून है आखिर उदावाना अलहमदिल्ला